अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा आईटी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी, मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आज एक नए हफ्ते का आगाज है और आज 23 अगस्त है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट में जो सूरत हाल है ऑयल प्राइसेस की, उस पर हम चेक कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल इस वक्त हम देख रहे हैं कि $65.90 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ओवर द वीकेंड के जुमे के दिन जो क्लोजिंग हुई थी वो 65 से नीचे हुई थी, $64.90 के आसपास। तो उस पर हमने देखा है कि आज जो मार्केट्स खुली हैं तो दोबारा से ऑयल थोड़ा ऊपर चला गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो कोयले की कीमत जो 138 तक चली गई थी वो थोड़ा सा 50 सेंट नीचे आई है, 137.50 पे कोयला है। बाकी ओवर द वीकेंड एज सच कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमने नहीं देखी है अफगानिस्तान की साइड पे हम, और यही कहा जा रहा है कुछ अभी और दिन लगेंगे कि बिफोर एक नई हुकूमत अफगानिस्तान में सामने आए और होपफुली वो एक इंक्लूसिव हुकूमत होगी। अच्छा जी, इसके अलावा लोकल पॉलिटिक्स पे नजर डाली जाए तो दोबारा से पीटीएम मुतहरक होती हुई नजर आ रही है, बट जाहिर है कि उनको न्यूज में तो रहना होता है। सो अभी कहा जा रहा है कि नून लीग वालों ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ कोई नो ट्रस्ट मूवमेंट लेकर आएगी तो, और वो कोई वर्केबल आइडिया होगा तो फिर नून लीग वाले बैक करेंगे। अच्छा जी, करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स उस दिन आ गए थे। जुलाई में हमने देखा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जून के मुकाबले में नीचे आ गया है। जून में अगर आपको याद हो 1.6 बिलियन तक चला गया था, $1.6 बिलियन, और उसमें कुछ मनाफ थे उसी वक्त जिक्र हो रहा था, तो अब वो $773 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट जुलाई के महीने में आया, यानी कि पहला महीना जो इस करंट फिस्कल ईयर का। सर्कुलर डेट कह तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन अब कंटेन्ड बढ़ रहा है, यानी कि बहुत जैसे पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था वो चीज हमने नहीं देखी है। पाकिस्तान के रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की कंपेटिटिवनेस दिखाता है तो वो हम देख रहे हैं कि 99.4 पर आ गया है। 100 से ऊपर जाहिर है चला गया था ये, तो 100 से नीचे वापस आ गया है। तो एक ये खबर है, एक्स वाबला पावर फार्म्स के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है तकरीबन 1.46 रुपए फी यूनिट, ये खबर है। अच्छा, रिफाइनरी पॉलिसी वाले के हवाले से मैंने बता दिया था फ्राइडे को, लेकिन फिर रिपीट कर देते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी की जो मीटिंग हुई थी जुमे को, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इसमें कुछ चेंजेस ड्राफ्ट पॉलिसी में कुछ चेंजेस की जाएंगी और फिर दोबारा से CCOE को सबमिट करेंगे फॉर अप्रूवल, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। अच्छा, बाकी ओके अच्छा, आज पीएसओ का रिजल्ट है लेकिन बोर्ड मीटिंग दोपहर में 2:30 बजे है, तो लेट्स सी कि रिजल्ट ट्रेडिंग आज के दौरान ही आता है या उसके बाद आता है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि तकरीबन ₹50 तक की अर्निंग्स आएंगी फुल ईयर के लिए, और आखिरी क्वार्टर में ₹11 तक की अर्निंग हो सकती है। डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम ₹5 फी शेयर का, ₹5 ऑलरेडी पीएसओ ने दिया है। फ्राइडे को उसमें 6 गेंस नजर आए थे, आज लेट्स सी कि आज भी गेंस नजर आते हैं कि नहीं। दूसरा, एग्रो कॉर्पोरेशन की भी बोर्ड मीटिंग है लेकिन ये भी 2:30 बजे है, सो देखना पड़ेगा कि इसका भी रिजल्ट आता है ट्रेडिंग आज के दौरान या नहीं। अच्छा जी, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मार्केट फ्राइडे को अच्छी बन हुई थी, बुलिश बंद हुई थी, सीमेंट सेक्टर ने फाइनली जो लो साइड पे बहुत नीचे चला गया था वो वापस रिवाइव हुआ, काफी ऊपर के लॉक्स भी हिट हुए। अच्छा, सीमेंट की प्राइसेस हमने देखा है कि इंक्रीज हुई है लेकिन अभी भी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मजीद इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि ये मार्जिन सस्टेन कर सके और प्रॉफिटेबल रहे। तो अब देखते हैं कि वो कब होता है, सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा, बिकॉज एक तो ये जुलाई अगस्त के महीने वैसे भी लो कंजम्पशन के होते हैं बिकॉज ऑफ ये बारिशों का सीजन होता है पाकिस्तान में, तो लेकिन फिर सितंबर से होपफुली पिक कर जाएंगी सेल्स भी और डिमांड भी, तो फिर ये प्राइस बढ़ा सकेंगे आसानी से। अच्छा, तो ये खबरें हैं, तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि देखें की स्टॉक्स की सेक्टर्स अक्यूमुलेशन ऑन डिप्स रखनी चाहिए, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करें। देखेंगे अभी वही जो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है 47,900 का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 47,900 से लेके 48,200 का ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रीच करना है, और 48,200 से ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ जाएगी टेक्निकली तो फिर वहां से बुलिश एक मोमेंटम बन सकता है, तो ये एक क्रूशल लेवल्स है मार्केट के लिए।
तो लेट्स सी। अच्छा, आखिर में अगेन जो हमने लास्ट वीक हमारी रिपोर्ट भी निकली थी स्पेस सिक्योरिटीज पेपर पे, हमारी ये पिच है और हम समझते हैं कि इसमें एक अच्छा डिविडेंड भी आ सकता है और प्राइस भी यहाँ से इम्प्रूव हो सकती है। 160 से नीचे ट्रेड करा था जब ने हमारी कॉल आई थी, तो ये फ्राइडे को भी 165 तक काम हुआ था। सो यू कीप एन आई ऑन दैट स्टॉक। सो रिफाइनरी पॉलिसी की फ्रांस साहब पूछ रहे हैं कि डेट ऑफ अप्रूवल, कोई डेट नहीं दी गई है, हमें ये भी नहीं मालूम कि नेक्स्ट मीटिंग सीसीओ की कब होगी, और जो चेंजेस बताई गई हैं कि बहुत ही बड़ी चेंजेस हैं, कोई माइनर चेंजेस हैं, डिटेल्स उसके अवेलेबल नहीं है। सो रियली कांट से। सो दैट्स अबाउट इट, हैव अ नाइस डे, और कोई और खबर होगी तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।